हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। आज की ये वीडियो एसएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका एग्जाम होने वाला है। सो ये ज्योग्राफी के जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं या फिर पूछे जाते हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं, सारे के सारे वनलाइनर क्वेश्चन हैं। तो चलिए वन बाई वन देखते हैं और कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, उनको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो टोपोग्राफिक मैप बनाती है इंडिया के लिए? सो इसका राइट आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करी गई थी 1767 में, ऑलराइट 1767 में। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। और ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ये नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। और ये जो सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साउथ एंड ऑफ इंडिया। ये बार बार पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, तो इतना सोचो मत यार, ठीक है। सो साउथ एंड इंडिया का कौन सा है, क्या नेम है उसका? सो इंदिरा पॉइंट है, जो कि लोकेटेड है आइलैंड ऑफ निकोबार के नज़दीक, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ इसके बारे में भी। जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो सिचुएटेड है वो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार ग्रुप जो है आइलैंड्स का, इन अंडमान निकोबार आइलैंड में। हालांकि इट इज़ नॉट विजिबल टुडे, बिकॉज ये सबमर्ज हो गई थी सी के अंदर जब 2004 में सुनामी आई थी, ठीक है। तो ये है बस बेसिक से क्वेश्चंस। नेक्स्ट है विच टू कंट्रीज आर बिटवीन द पाक स्ट्रेट। सो कौन सी दो कंट्रीज के बीच है पाक स्ट्रेट? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँगा, ये जो नेबर कंट्रीज़ है ना, इनके बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उनको भी अच्छे से करके जाना। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर, उसको देख लेना जाके, ठीक है। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? सो कितने आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में? सो इसका राइट आंसर है 36 आइलैंड्स हैं, ठीक है, लक्षद्वीप में। और इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ की पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि ये स्मॉलेस्ट यूनियन टर्शरी है इंडिया की, लक्षद्वीप, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस की बात करें, सो लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है वो थी 64,429 पर्सन्स की, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हिमालयन पिक इज आल्सो कॉल्ड एज सागरमाथा। सो कौन सी हिमालय की जो हिमालयन पिक है उसको सागरमाथा बोला जाता है, क्यों? बिकॉज इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और सागर माथा इसलिए बोला जाता है बिकॉज नेपाल में इसको बोला जाता है सागर माथा, ठीक है, हिमालय माउंट एवरेस्ट को। और इसका मीनिंग है नेपाली में मीन्स गॉडेस ऑफ स्काई, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया। सो हाईएस्ट प्लेटू जो है इंडिया की वो है लद्दाख प्लेटू। यहीं पे अगर एग्जाम में अगर इसकी जगह हाईएस्ट की जगह अगर लार्जेस्ट प्लेटू पूछा गया अगर इंडिया का कौन सा है, सो वो होगा डेक्कन प्लेटू, ठीक है, डेक्कन प्लेटू, ऑलराइट, ये हो जाएगा। जो कि डेक्कन प्लेटू है जो कि स्प्रेड है ओवर 8 स्टेट्स में, ठीक है। और जो लद्दाख प्लेटू है हमारा, ये हाईएस्ट प्लेटू है इंडिया की, इसकी हाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेट 3000 मीटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज। सो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की? सो इसका राइट आंसर है अनाई मोदी, ठीक है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के, उस थोड़े की पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको। अनायमुदी जो है वो माउंटेन है, लोकेटेड कहाँ पे है? इंडियन स्टेट केरला में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कहाँ पे सिचुएटेड है? केरला में। अनायमुदी जो है वो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की साउथ इंडिया की, ठीक है, एंड ऑल्सो ये एक टॉलेस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की, ऑलराइट। तो ये हो गई इसके बारे में बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल, सॉरी विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। सो हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है इंडिया का? ये क्वेश्चन मेरे से गड़बड़ हो गया था लास्ट एक वीडियो के अंदर, और एक कैंडिडेट ने इसको क्लैरिफाई भी किया था। सो इसका राइट आंसर है कुंचिकल फॉल्स, ठीक है। कुंचिकल फॉल्स क्यों है, और इसकी जगह मैंने जॉक फॉल्स लिखा था लास्ट वीडियो में, तो उसके लिए अपोलोजाइज भी मैंने किया था। सो कुंचिकल फॉल जो है इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, और इसको क्रिएट किया गया है कहाँ पे? वराही रिवर के ऊपर, ठीक है, जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है कर्नाटका में। इसकी जो हाइट है मेनली जॉग फॉल और ये कुंचिकल फॉल्स में मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया था। सो जो कुंचिकल फॉल है इसकी हाइट जो है वो है 455 मीटर,
ऑल राइट, ये टायर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया की। और यहीं अगर मैं बात करूँ जॉक फॉल की, तो जॉक फॉल जो है क्रिएटेड किया गया है सारावती रिवर में, ये भी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में ही है। और इसकी जो हाइट है जॉक फॉल की वो है 253 मीटर, ठीक है। और ये जॉक फॉल जो है ये किस टाइप की है वाटरफॉल, सो कास्केड, कास्केड टाइप की वाटरफॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडियन पेनिनसुला, सो कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन पेनिनसुला, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिणी गंगा, ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। सो गोदावरी को और भी नाम से जानते हैं जैसे कि दक्षिणी गंगा, ठीक है, ये और द साउथ गंगा। ये लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुला इंडिया की और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की आफ्टर द गंगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस कर लिया दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं गोदावरी रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, सो इसका राइट आंसर है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। सो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का, सो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको, फर्स्ट नेशनल पार्क जो है इंडिया का वो है एस्टेब्लिश किया गया था हैली नेशनल पार्क 1936 में। सो ये जो 1936 है ये ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, ये भी ध्यान रखना है आपको। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड कहाँ है ये पूछा जाता है, सो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये है, ठीक है, लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा रंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, सो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो फेमस किस वजह से है, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वन हॉर्न राइनोसोरस। ऑल राइट, इसके बारे में बता देता हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है और ये फेमस है बिकॉज ऑफ ग्रेट इंडियन वन हॉर्न, ये पिक्चर दिख रही होगी आपके, ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस की वजह से, ठीक है। इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 1974 में नेशनल पार्क, सो कब डिक्लेयर किया गया था ये भी पूछ लिया जाता है, सो 1974 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवपुरी नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट, सो शिवपुरी नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में वो इम्पॉर्टेंट किस वजह से है ये पूछा जाता है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोपार्ड और चीतल की वजह से ये फेमस है, ठीक है, शिवपुरी नेशनल पार्क। और ये ध्यान रखना शिवपुरी नेशनल पार्क ये पूछ लिया जाएगा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, सो आपको ये भी याद रखना है मध्य प्रदेश में है, ठीक है, लोकेटेड। नेक्स्ट है, विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड एज ए राइस बॉल, सो किसको कहा जाता है राइस बॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट को, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉन एज ए राइस बॉल ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड किससे है, सो मिल्क प्रोडक्शन से है, साथ ही साथ मैंने पिक्चर लगा रखी ताकि आपको दिमाग में स्ट्राइक अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपको बताता हूँ, ऑपरेशन फ्लड जो एक मिशन किया गया था किस लिए, बिकॉज उसमें इंक्रीज करना था परफॉर्मेंस ऑफ डेयरी सेक्टर्स का। ऑपरेशन फ्लड इसको और भी नाम से जानते हैं जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया किस चीज़ के ऊपर बेस था, सो मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर बेस था, ये याद रखना है आपको। ऑपरेशन फ्लड जो है इसको लॉन्च किया गया था 1970 में, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, 1970 में इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। और उस टाइम क्या चल रहा था, फोर्थ फाइव ईयर प्लान जो था उस ड्यूरेशन में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि हाँ, एक और चीज़ है कुछ जो पूछी जाएंगी एग्जाम में, वो है कि इसका जो रिजल्ट आया, इंडिया जो है बिकेम ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बन गया था। एक चीज़ है कुछ और जो मैक्सिमम चांसेस है पूछी जाएंगी, सो वो ये है कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है, सो वी क्यूरिन को कहा जाता है, इनका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम है वर्गेसी क्यूरिन, ठीक है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी पूछा जाएगा तो वी क्यूरिन ही है। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, सो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, नेशनल मिल्क डे। एंड दूसरा ये है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड कौन है, सो इंडिया ही है। ऑलराइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑयल सीड्स। ठीक है, सो ये जो येलो रेवोल्यूशन है इसको लॉन्च किया गया था 1986 to 1987 के बीच में इसको लॉन्च किया गया था। किस लिए? इसलिए किया गया था टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। ऑलराइट, स्पेशली जैसे कि शीशम हो गया, शीशम सीड्स हो गए और मस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। हाँ, एक और चीज़ है कि येलो रेवोल्यूशन का अगर फादर पूछा जाए इंडिया में कि फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, सो वो है सैम पूरा नाम क्या है, हाँ सैम पित्त रोड़ा। ठीक है, ये है येलो रेवोल्यूशन, फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट है विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ आयरन ओर, सो कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूस करता है, सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम आयरन ओर इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रानीगंज इज इन वेस्ट बंगाल इज रिलेटेड टू, रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल में रिलेटेड वो किस चीज़ से रिलेटेड है, सो रानीगंज जो रिलेटेड है वो है कॉयल फील्ड से। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ की पॉइंट बता देता हूँ आपको रानीगंज के रिगार्डिंग। सो रानीगंज जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉयल फील्ड है इंडिया का। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ रिजर्वर की बात करी जाए तब, ठीक है, और ये फेमस है फॉर द रेडिएबल क्वालिटी ऑफ कुकिंग कॉयल्स के लिए। ठीक है, और ये इट इज़ ये पार्ट है, रानीगंज जो है ये पार्ट है पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल में उसका, और ये फर्स्ट प्लेस है कॉयल माइनिंग जहाँ स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, कहाँ स्टार्ट हुई थी, रानीगंज वेस्ट बंगाल में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कॉयल रिजर्व, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड जो है लार्जेस्ट वो है कॉयल रिजर्वर है स्टेट। ठीक है ना, और इसी के बारे में बता दो कि हाँ इसके बाद उड़ीसा आता है और हमारा छत्तीसगढ़ आता है, सो झारखंड सबसे लार्जेस्ट कॉयल रिजर्वर है स्टेट। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉयल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें, हाँ एक और चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं नोट की है, वो है कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा फर्स्ट यूरेनियम माइन कहाँ थी, सो फर्स्ट यूरेनियम माइन जो थी, यूरेनियम माइन वैसे तो लोकेटेड कहाँ है, जादूगोड़ा ईस्ट सिंहभूम में जो कि डिस्ट्रिक्ट पड़ती है किसकी, झारखंड की, और यहीं पे फर्स्ट यूरेनियम माइन भी करी गई थी। ऑल राइट, और फर्स्ट ऑपरेशन जो स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया था 1967 में यूरेनियम का। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, सो फर्स्ट पोर्ट जो डेवलप करी गई थी इंडिपेंडेंस के बाद, सो वो कौन सी थी, वो थी कांडाला। ठीक है, कांडाला जो है एज द फर्स्ट पोर्ट टू डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस, कांडाला जो है एक टाइडल पोर्ट है कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज अटेरियम डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन विच रिवर, ये आप लोग कभी उत्तराखंड आओ तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको दिखाऊंगा ये टेरी डैम है कैसा है एक्चुअल में। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका भागीरथी रिवर के ऊपर ये टेरी डैम को बिल्ड किया गया है। ठीक है, और ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का जो कि सिचुएटेड है उत्तराखंड में, और जो इस डैम की लेंथ है वो है 575 मीटर। ठीक है, ये हो गई बात। हाँ, दो चीज़ें हैं कि हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट में कभी कन्फ्यूज़ नहीं होना, सो हाईएस्ट जो डैम है इंडिया की वो कहाँ है, उत्तराखंड में, और कौन सी है, टिहरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम, आगे ना वही बात, सो इंडिया की लॉन्गेस्ट डैम कौन सी है, सो वो है हीराकुंड डैम। ऑल राइट, हीराकुंड डैम जो है वो इसकी जो टोटल लेंथ है वो एग्ज़ाम में पूछी जाए सो वो है 25.79 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और ये इवन वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट डैम्स हैं उस लिस्ट में भी हीराकुंड डैम का नाम आता है। और हीराकुंड डैम जो है वो सिचुएटेड कहाँ है, कौन सी नदी के ऊपर है, सो वो महानदी के ऊपर। ठीक है, पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, सो कौन सी पोर्ट्स हैं जो लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, सो वो है पारादीप और हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच लॉन्गिट्यूड इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्टेड, ठीक है, सो कौन सी लॉन्गिट्यूड है, सो इसका राइट आंसर है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो जो इंडियन स्टेट इंडियन
स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बेस किसके ऊपर है, लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री, जो कि पास होती है कहाँ से, मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, और इट इज़ अ 5 hours 30 minutes ahead of a Greenwich mean time, now called as a universal coordinate time. ठीक है, नेक्स्ट इज what is the southern end of India called? So Indira Point is the right answer. Next is where is the National Botanical Research Institute? So National Botanical Research Institute कहाँ पे है, ये एग्जाम में पूछा जाए, सो इसका राइट आंसर है लखनऊ. ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री शेयर्स द इंटरनेशनल बॉर्डर द लीस्ट. सो कौन सी कंट्री है जो शेयर करती है इंडिया के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे कम है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अफगानिस्तान. ठीक है, और इसके बाद अफगानिस्तान के बाद जो आता है, हाँ अफगानिस्तान जो कंट्री है वो शेयर करती है इंटरनेशनल बॉर्डर कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको. एंड दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाद आता है भूटान, भूटान की जो है वो 699 किलोमीटर की बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंडिया के साथ शेयर करती है. या तो सबसे लीस्ट पूछे जाएगा या सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन किसके साथ है, सो वो है बांग्लादेश, और कितने किलोमीटर की है वो 4,096.7 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश इंडिया के साथ. ठीक है, नेक्स्ट इज विच सिटी इज ऑल्सो नॉन एज द 0 mile सेंटर ऑफ इंडिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. सो कौन सी सिटी है जिसको जाना जाता है 0 mile सेंटर ऑफ इंडिया के नाम से, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर. ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ कि जो 0 mile स्टोन है ये मॉन्यूमेंट है एक, और इसको बिल्ड किया गया था ब्रिटिश के द्वारा कौन सी ड्यूरेशन में, सो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1907 इन नागपुर महाराष्ट्र में. ठीक है, नेक्स्ट इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, अरिहंत की बुक में भी क्वेश्चन है और हमारे टाइम पे भी पूछा गया है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात. नेक्स्ट है अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय, सो किस तरीके से सेपरेट किए गए हैं, 10 degree 9 degree, ये सारे के सारे जितने भी सेपरेशन है ना इनको अच्छे से करके जाना है एग्जाम में, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 degree चैनल. ऑल राइट, नेक्स्ट इज इंडिया लार्जेस्ट टनल जवाहर टनल इन विच स्टेट, सो इंडिया की जो लार्जेस्ट टनल है जवाहर टनल, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, एंड जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ यूनियन टेरिटरी है. ऑलराइट, जम्मू ये जो जवाहर टनल है इसको और भी नाम से जानते हैं जैसे कि बनिहाल टनल. ठीक है, और जितने भी मेरे भाई अगर जम्मू एंड कश्मीर में अगर पोस्टेड हो तो ये जो टनल है ये उन्होंने देखी होगी. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, सो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया की, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ACC ही नहीं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि SSC हो गई, RRB हो गई, ग्रुप डी हो गया, उन सभी में. सो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया की, सो वो है अरावली रेंज. ऑलराइट, अरावली रेंज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अरावली रेंज जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स रनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू पालमपुर इन गुजरात. ठीक है, और अरावली की ये भी पूछी जाती है हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली कौन सी है, सो गुरु शिखर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द बेस्ट सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉटन, सो कौन सी सॉइल बेस्ट है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक स्लैग सॉइल. ठीक है, और ये जो ब्लैक सॉइल है ये इवेंचुअली मतलब और भी चीज़ों के लिए सूटेबल है, जैसे कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, जैसे कि वीट हो गई हमारी, ग्राउंड नट हो गई, चिलीज, तंबाकू, ज्वार, इन सभी के लिए एक है सूटेबल है बेस्ट सॉइल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द हीट इन द एटमोसफियर यूजुअली कम फ्रॉम, सो जो एटमोसफियर में हीट है वो कैसे आती है हमारे तक, सो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू आती है. नेक्स्ट इज विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन द इंडिया, सो वेटेस्ट प्लेस मीन्स वहाँ पे गीला मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो मसीराम में होती है सबसे ज़्यादा बारिश. ठीक है, और ये पड़ता कहाँ है, मेघालय में पड़ता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज कॉल्ड एज संगपो इन तिब्बत, सो कौन सी रिवर को संगपो बोले जाता है तिब्बत के अंदर, सो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र. ऑल राइट, और इसी के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन बनते हैं ब्रह्मपुत्र के रिगार्डिंग, वो मैं आपको बता देता हूँ. तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं संगपो, ये ध्यान रखना आप. बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको क्या बोला जाता है, जमुना.
ठीक है, ये हमारे टाइम पे पूछा गया था। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको और भी किस नाम से जाना जाता है, रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। और लास्ट जो है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर की, वो कौन कौन सी है, तिस्ता रिवर, लोहित रिवर, धनबा क्यू एंड सुबनसिरी रिवर, ये ट्रिब्यूटरीज रिवर है इसकी। और इसमें कुछ क्वेश्चन बनता है ब्रह्मपुत्र रिवर के रिगार्डिंग, तो यही बनता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। सो हिमालय ग्लेशियर इन तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर राइनोसोरस, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। प्लांट्स कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो प्लांट्स जो होते हैं कॉमनली पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो कौन से हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्चिड। ठीक है, और भी पाए जाते हैं जैसे कि बंगाल बम्बू हो गया एंड कॉफी ग्रोज इन द रेन फॉरेस्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज अ शुगर बॉल ऑफ शुगर बॉल, सो इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसको शुगर शुगर बॉल के नाम से जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और देख लेते हैं, हाँ इसमें एक और चीज़ है, सिटीज़ जो है नेमली बुलंदशहर हो गया, सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, बरेली हो गया, ये उत्तर प्रदेश में है और ये फेमस किस लिए हैं, बिकॉज ऑफ शुगर केन फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट इज ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, सो ब्लू रिवोल्यूशन जो रिलेटेड है, ये पिक्चर देखने को मिल रही होगी, सो फिश प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ, ब्लू रिवोल्यूशन जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा किस लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्वा कल्चर इंडस्ट्री, मीन्स फिश प्रोडक्शन के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको स्टार्ट किया गया था चाइना से। एंड ब्लू ब्लू रिवोल्यूशन जो है इसको नील क्रांति के नाम, नील क्रांति मिशन के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में, और इसको लॉन्च किया गया था 1985 में। ठीक है, उस टाइम चला था मे बी शायद 7th 5-year plan। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया, सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिश फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी जो इस्टेब्लिश करी गई थी इंडिया के अंदर वो थी दिग्बॉय। ठीक है, दिग्बॉय जो है ये एक टाउन है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो आसाम में पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे, और दिग्बॉय जो है ये इसको और भी नाम से जानते हैं जैसे कि ऑयल सिटी के नाम से ये फेमस है। ऑयल रिफाइनरी जो है ये स्टार्ट करी गई थी 1901 में। ठीक है, इसलिए ओल्डेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड मोस्ट इन इंडिया, सो किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है इंडिया के अंदर, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिलिकॉन वैली इन इंडिया, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु सिटी ऑफ ए कर्नाटका इज कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हाँ, एक और चीज़, बेंगलुरु और भी चीज़ों के लिए फेमस है जैसे कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हो गया, और दूसरा हो गया स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, तीसरा गार्डन सिटी ऑफ इंडिया एंड साइंस सिटी ऑफ इंडिया, तो ये इस नाम से भी फेमस है। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इंस्टॉल्ड इन इंडिया, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुरा। ठीक है, तारापुरा ये जो है एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि लोकेटेड है तारापुरा महाराष्ट्र में, और ये फर्स्ट कमर्शियल पावर स्टेशन है इंडिया का जो कि कमीशन किया गया था 28 अक्टूबर 1969 में। ठीक है, इसको कमीशन किया गया था, और इसको कमीशन करने के लिए 123 एग्रीमेंट साइन किए गए थे बिटवीन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बीच। ठीक है, और इस स्टेशन को ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, सो नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है, वेयर द सेटेलाइट लॉन्च सेंटर्स टू इंडिया, सो सेटेलाइट लॉन्च सेंटर्स कहाँ हैं इंडिया के अंदर, सो इसका राइट आंसर है श्रीहरिकोटा। और भी जगह हैं जैसे कि हो गया थुम्बा तिरुवनंतपुरम में पड़ता है वो, और चांदीपुरा जैसे कि उड़ीसा में पड़ता है वो। हाँ, यहाँ पे ये सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की बात करी गई है, और यहीं पे अगर पूछा जाए स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये पड़ता है हमारा तिरुवनंतपुरम में। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, ये पड़ता है हमारा श्रीहरिकोटा में। और तीसरा जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये पड़ता है हमारा अहमदाबाद में। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन, सो ब्राक बोलते हैं ना, सो इस ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो ये है लोकेटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, इसी के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है उन्होंने कंसीव किया था इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंडिया के लिए, एंड डॉक्टर भाभा ने इसको एस्टैब्लिश किया था एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। ठीक है, AEET इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसको याद रखना, एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। ठीक है, और इसको कब किया गया था? जनवरी 1954 में इसको किया गया था। नेक्स्ट है, हाँ एक और चीज़ कि 1966 में AEET को रीनेम कर दिया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम ब्राक बोलते हैं, BARC। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोस्ट लिटरेट यूनियन टर्शरी इन इंडिया, कौन सी है लिटरेट यूनियन टर्शरी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट इज इन विच एरिया इन इंडिया द मोस्ट अनइरिगेटेड कल्टिवेशन इज डन, सो डेकन प्लेटू है वो। और लास्ट क्वेश्चन इज कैबुल लैमजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, वेयर कहाँ है वो? सो मणिपुर में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और ऐसी वीडियो पाने के लिए या फिर आपको जो भी वीडियोस चाहिए हैं उसका कंटेंट मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बिकॉज आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत करो दबा के, और ज़्यादा टफ नहीं आएगा, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी जय श्री राम, थैंक यू सो मच।